हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उन क्वांटम नंबर्स के सिग्निफिकेंस की जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे। या हम कुछ सिग्निफिकेंस की बात हमने वहां की, हमें क्या क्या पता लगता है क्वांटम नंबर्स से इलेक्ट्रॉन के बारे में। उससे आगे और भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो हम यहां डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारे सामने है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा देखिए इसकी हेल्प से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप उस इलेक्ट्रॉन के शेल, राइट, वो किस शेल में है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, इससे हमें यह पता लग सकता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। दूसरा, उस शेल में उसकी एनर्जी कितनी है, ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बता सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता लगता है। तो इसका आंसर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। ओके, ये इसके अलावा हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है। मतलब जैसे मेरे पास सपोज ये कोई एटम है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, राइट? तो हमें यह पता लगता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो कितना रेडियस कवर कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते टाइम, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगता है, राइट? ये अगर वो थर्ड शेल में है तो ज्यादा दूर है तो उसका रेडियस ज्यादा है। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो कितना रेडियस कवर कर रहा है। थर्ड देखिए, इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मेरे ख्याल से मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, सॉरी अबाउट दिस, कि ऑब्वियसली ये ऊपर वाली बात है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में बताता है। अगर वन सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो हमें पता चलता है कि वो इतनी दूर है न्यूक्लियस से। अगर 2 है तो इससे पता चलता है वो इतनी दूर है, 3 है तो इतनी दूर है, तो वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में भी बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब शेल को ही हम ऑर्बिट कहते हैं, इन एन शेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय एन स्क्वायर। ये बात ध्यान से सुनिए, किसी भी शेल में जब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हो तो उसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो फर्स्ट शेल, फर्स्ट एन का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल होता है, और होता भी एक ही है। कैसे? 1s, बस यही तो रहता है, और s में एक ऑर्बिटल है, राइट? तो फर्स्ट शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, राइट? तो एक ऑर्बिटल होता है फर्स्ट शेल में। अगर मैं सेकेंड शेल में चला जाऊं तो कितने ऑर्बिटल होंगे वहां, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब देखो 4 कैसे होते हैं, सेकेंड शेल में कौन कौन से सब शेल हैं, एस और पी, राइट? 2s और 2p ही तो है सेकेंड शेल का पार्ट। ओके, 2s में एक ऑर्बिटल, राइट? 2p में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। तो किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक बार थर्ड शेल को और देख लेते हैं। अगर हम थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल होंगे 9। अब जरा देखो कैसे, 3s, थर्ड शेल में 3s होता है, 3s, 3p, 3d, 3f नहीं होता, राइट? थर्ड शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं, SPD, यानी 3s होता है, 3p होता है, 3d, 3f एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने कल जब एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था L, तो उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। खैर, अब थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, SPD, राइट? थर्ड शेल 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, 3 और 1 4, और 3d में 5 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 1 3 5, 3 और 1 4 5 9, यानी टोटल ऑर्बिटल वहां 9 है। अब एक छोटा सा सवाल हो, अगर थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं थर्ड शेल में? थर्ड शेल में अगर 9 ऑर्बिटल हैं टोटल 3s 3p 3d मिलाकर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, राइट? तो मैक्सिमम थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18,
मैक्सिमम सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या एन स्क्वायर से तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलेगा, 2n स्क्वायर से मैं ये बता सकता हूं कि उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन स्क्वायर को अगर मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर मुझे बताएगा कि उस पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। जैसे अगर मैं फिफ्थ शेल की बात करूं तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि फिफ्थ शेल में मैक्सिमम 5 स्क्वायर 25 × 2 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। और ये बात आप बड़ी इजीली प्रूव भी कर सकते हो, 5s 5p 5d 5f 5g टोटल अगर आप गिनोगे तो 25 ऑर्बिटल होंगे, 25 होंगे और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन्स वहां आ सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे 50 ही आएंगे, मैक्सिमम 50 आ सकते हैं, ओके। तो लास्ट पॉइंट यही है, इन एन ओ शेल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर, राइट। मैक्सिमम ऑर्बिटल इतने रहेंगे एंड कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2n स्क्वायर, ओके। तो 2n स्क्वायर याद रखेंगे जो हमें ये बताता है कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें नोट डाउन कीजिए। और अगर हम बात करें ऐसी मुथल क्वांटम नंबर की जिसे हम एल से डिनोट करते हैं तो उसकी क्या खास बात है, देखिए वैसे तो आप जानते हैं, ये आपको सबशेल के बारे में बताता है। अगर अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो एल है या इलेक्ट्रॉन के जो एल की वैल्यू है, ऐसी मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, अगर वो जीरो है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है। अगर L की वैल्यू 1 है इसका मतलब वो P सबशेल में है। L की वैल्यू 2 है इसका मतलब वो D सबशेल में है, ओके एंड सो ऑन। चलिए तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो एज़ी मेथड क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच सबशेल, राइट। L हमें ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका L वैल्यू इतना है वो किस सबशेल में होगा, ओके। दूसरे पॉइंट की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने कहा पी डंबेल होता है, डी डबल डंबेल होता है, एस स्फेरिकल होता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वांटम नंबर से मिली है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिली है, ओके। ये सारी बातों को अगर आप और बियॉन्ड समझना चाहते हैं तो वो 11 के लेवल से थोड़ी सी आगे है। आपको क्वांटम क्लासिक मैकेनिक्स छोड़कर क्वांटम के पास जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पता लगेगा कि एल की वैल्यू कैसे डिसाइड करती है कि शेप कैसी होगी ऑर्बिटल्स की, ओके। थोड़ा हिंट आपको यहां मिल जाएगा अगले पॉइंट में, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ 2l+1, ये आपको पता है। क्या पता है, एल अगर 1 है, एल अगर 1 है, राइट, तो एल अगर 1 है तो यहां से मुझे सबशेल के बारे में पता लग गया, सबशेल के बारे में, राइट। ये सबशेल के बारे में बता रहा है ये वन, कि ये कौन सा सबशेल है, ये कोई सा भी सबशेल है, राइट। अगला क्वांटम नंबर यानी एम जब हम लिखेंगे तो एम की वैल्यू होगी -1, 0, +1, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बता देगा, मतलब एल की वैल्यू ऑर्बिटल डिसाइड करती है। एल की वैल्यू ये डिसाइड करेगी, एल की वैल्यू सबशेल दिखाती है, राइट, साथ में जो वो सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे ये एम से पता लगेगा, बट एम डिपेंड करता है एल पे, राइट। एल अगर 1 है तो एम होगा -1, 0, +1, यानी ये कोई भी ऑर्बिटल क्यों ना हो इसके अंदर ये तीन ऑर्बिटल होंगे, ये कोई भी सबशेल क्यों ना हो, इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे, जिसमें एक को -1 कहा, 0, +1। अगर मैं थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन के पास हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास, तो 1 का मतलब है पी सबशेल, और पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी वाई 0, पी जेड के लिए 0, एम की वैल्यू +1 होती है पी एक्स के लिए, ओके। तो अगर आप देखें कि एल की वैल्यू अगर 1 है तो ऑर्बिटल हो गए 3, राइट। अगर एल की वैल्यू 2 होती तो ऑर्बिटल होते 5, राइट। एल की वैल्यू अगर 0 होती तो एम की वैल्यू होती खाली 1, 0, राइट। तो एम की अगर एल की वैल्यू 3 होती तो एम की वैल्यू 7 होती, अलग अलग ऐसी,
तो एल की वैल्यू हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने में हेल्प करेगी, और उसका फॉर्मूला है 2L प्लस 1। एल की वैल्यू यह बताएगी कि वहां ऑर्बिटल कितने होंगे। इस फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता लग जाएगा। ओके, और अगर मैं कहूं कि उस पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैसे बताओगे? देखो साहब, एल वन है तो ऑर्बिटल होंगे 2L प्लस 1, यानी 2 × 1 + 1 यानी 3, राइट? और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 × 2L + 1। ये तो ऑर्बिटल हो गए, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ सकते हैं। एल की वैल्यू हमें ये समझाने में हेल्प करेगी कि एल अगर उतना है तो उस एल में, राइट, उस एल में, उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तक पहुंचेंगे, ऑर्बिटल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमें शेल के बारे में नहीं बता सकता, शेल के बारे में सिर्फ एन बताएगा। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल नहीं बता सकता, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये एल से पता लगता है, एज ए मुथल क्वांटम नंबर से पता लगता है। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट लास्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर यू कैन कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट माई सेल्फ, हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो ऐसे भी घूमता है और स्पिन भी करता है, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। बच्चों इसे ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है, इसे स्पिन मोशन कहा जाता है। ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, राइट? अब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब घूमता है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, राइट? एंगुलर मोमेंटम होगा। उस एंगुलर मोमेंटम, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम एल की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एस सबशेल की बात करूं, एस सबशेल की, तो एस सबशेल के लिए एल जीरो होता है, एस सबशेल के लिए एल जीरो होता है, एस के लिए, राइट? पी के लिए 1, डी के लिए 2, ऐसे है। ओके, अगर एल जीरो है तो उसका इस फॉर्मूले की हेल्प से रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, एच बाई 2 पाई को एच कट भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच कट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है, छोड़ो एस में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सबशेल में है जिसका एल जीरो है, ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे सबशेल में है जिसका एल जीरो है, राइट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम, यहां लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, वैसे इसे म्यू आई से डिनोट करते हैं, म्यू आई, चलो म्यू आई बना देते हैं, म्यू आई, राइट, एक लैटिन वर्ड है म्यू, थीटा जीटा म्यू वहां से आए हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम, एल की जगह अगर जीरो रखेंगे, जीरो इंटू समथिंग, द होल वैल्यू बिकम जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक पहेली है, अगर इलेक्ट्रॉन एल इज इक्वल टू जीरो वाले सबशेल में है, एक ऐसे सबशेल में है जिसके एल की वैल्यू जीरो है, उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है। अब ये थोड़ी सी क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात करूं, अगर आप क्वांटम नहीं पढ़ रहे तो ये थोड़ा सा ना, मैं कह सकता हूं वियर्ड सा आंसर है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, m into v into r, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जीरो है नहीं, इसका मतलब r जीरो है, तभी तो एंगुलर मोमेंटम जीरो आया, राइट? अगर r जीरो है मतलब रेडियस जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये जीरो वैल्यू हमें कंफ्यूज कर सकती है, क्वांटम इस बात को कैसे समझाती है, हालांकि इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है जो हमारे लेवल से बहुत बियॉन्ड है, चाहे आप नीट एम्स कहीं तक चले जाओ उसका जिक्र नहीं होगा कभी। ओके, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है, इसका आसान शब्दों में अगर मैं कहूं
तो मैं ये कहूंगा एंगुलर मोमेंटम इसलिए जीरो है इलेक्ट्रॉन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक नहीं रहा, वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका जब एवरेज एंगुलर मोमेंटम निकाला गया वो जीरो आया है, मतलब वो इस डायरेक्शन में भी जाता है इसमें भी, उसकी उसका जो जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है या घूमने के चांस है वो हर डायरेक्शन में बराबर है, राइट। हर डायरेक्शन में अगर घूमने के चांस बराबर है तो वेक्टर के हिसाब से अगर हम सोचे, राइट, तो उसका एवरेज जीरो आएगा ना। जैसे आप यहां से यहां एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने, फिर वापस वो यहीं आ गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? वेक्टर की नजरों में देखें तो जीरो, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आई होप आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो उसने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ओके, बिकॉज प्लस एंड माइनस नेट रिजल्टेंट जीरो। तो वही हाल इस इलेक्ट्रॉन का है, ओके। अब आगे बात सुनो, जैसे ही एंगुलर मोमेंटम जीरो आया, हमने ये पूरा कंफर्म हो गया कि एंगुलर मोमेंटम इसलिए जीरो आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में घूम रहा है। हमने इस आधार पे ये कहा कि वो सबशेल जिसकी एल की वैल्यू जीरो है वो पक्का स्फेरिकल शेप का है, उसमें अगर अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हर डायरेक्शन में जा सकता है। इसका मतलब उसकी शेप स्फेरिकल है। किसकी शेप स्फेरिकल है? उस सबशेल की जिसका एल जीरो है, क्योंकि एल जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम जीरो आया, और एंगुलर मोमेंटम जीरो आने का एक ही मतलब है कि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए नेट रिजल्टेंट नेट एवरेज जो हमें मिला वो जीरो आ रहा है। मैंने आपको थोड़ा सा बेशक कंफ्यूज कर दिया हो, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एस की शेप स्फेरिकल होती है, इस बात को कैसे हमने पता लगाया? मैं इस बात को बहुत आसान शब्दों में यह भी कह सकता था कि एल अगर जीरो है तो वो एस सबशेल में है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल जीरो का मतलब एस सबशेल, और अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। बट मैं आपको एक्चुअलिटी बताना चाहता था, हर बार हम नहीं बता पाते, बट कभी कभी कोशिश, अगर आप उस एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज हो गए हो तो आप इसको फॉलो कीजिए। एल अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, एल जीरो है इसका मतलब एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जीरो है। एंगुलर मोमेंटम जीरो इसलिए क्योंकि वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब उसके उसके रास्ते को जब हम ट्रैक करते हैं, राइट, तो हम पाते हैं कि वो हर डायरेक्शन में बराबर जा रहा है, ओके। चलिए ऐसे ही अगर मैं बात करूं एल इजक्वल टू वन की, एल इजक्वल टू वन का क्या मतलब है? एल इजक्वल टू वन का मतलब है पी सबशेल, तो वहां उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की आगे बात करेंगे, ओके। फिलहाल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? म्यू आई, एल की जगह वन रखो, वन इंटू वन प्लस वन रूट टू, रूट टू इंटू एच कट या एच बाई टू पाई, इतना होगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर वो इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है तो, राइट। सिमिलरली आप डी के लिए निकाल सकते हो, ओके। तो ये था बच्चों आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगले क्वांटम नंबर के पास चलते हैं। बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए एक इफेक्ट आया था जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट, ई एफ ई सी टी, इफेक्ट की स्पेलिंग शायद यही है, जीमेन इफेक्ट। देखिए जीमेन इफेक्ट क्या कहता था आप समझिए, ये कहता था कि जब जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट उसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र, मतलब एक एक रीजन रहेगा जहां तक उसके चार्ज को फील किया जा सकता है। जैसे एक मैग्नेट आपने यहां रख दिया मैग्नेट, राइट, उसके यहां आपने देखा आयरन के टुकड़े रखे तो आयरन इनको अट्रैक्ट कर रहा है,
यहां पे रखे तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, यहां पे रखे तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो मान लो ये वो रीजन है, अगर इसके अंदर आपने मैग्नेट के टुकड़े रखे, राइट, तो मैग्नेट उसे, सॉरी, आयरन के अगर टुकड़े रखे तो उन आयरन के टुकड़ों को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, राइट। ऐसे ही अगर कोई, हमने नेगेटिव चार्ज यहां रख दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। तो जब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव यहां तक रखा तो इसने उस चार्ज को इन्फ्लुएंस किया, नेगेटिव था तो दूर भगाया, पॉजिटिव था तो अट्रैक्ट किया। इसे बाहर जब रखा तो इसने कुछ नहीं किया। तो इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिक, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अगर वो एक जगह रुका हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बट जब वो घूमने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, राइट। मैग्नेट, अगर कोई मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल ले आए तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ले आए उसको भी अट्रैक्ट रिपेल करेगा, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। याद रखो, हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। देखो, तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। जीमैन इफेक्ट क्या कहता था कि जब आप बाहर से कोई मैग्नेट ले आते हो, या मैं कहूं कि इसके पास कोई गलती से दूसरा मैग्नेट आता है, तो उस मैग्नेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्पेस में अलग अलग पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करता है, स्पेस में अलग अलग जगह जा सकता है, राइट। ये स्पेस में कितनी जगह जा सकता है, स्पेस में मेरा मतलब है कि जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल आया तो इसने अपनी तीन अलग अलग जगह डिसाइड कर ली, मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा। स्पेस का मतलब कहीं आप स्पेस शिप लगा लो, ऐसा नहीं, राइट। यहीं पे इसने डिसाइड कर लिया कि मैं तीन जगह जा सकता हूं। जैसे ही एक इस हम बाहर से मैग्नेट लेके आए तो इस चलने की वजह से, घूमने की वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तीन अलग अलग जगह डिसाइड कर ली। ये तीन अलग अलग जगह ही एक्चुअली में ऑर्बिटल कहलाती है। ये तीन अलग अलग पोजीशन ही कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। जैसे जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल की वैल्यू जीरो है, राइट। अच्छा, एम की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, क्योंकि M होता है माइनस L टू प्लस L, तो जीरो के केस में जीरो। जीरो का मतलब सिर्फ एक पोजीशन या एक स्पेस में ऐसी जगह है जो इसने डिसाइड की है। इन सारी बातों का सार, इन सारी बातों का जिस्ट ये निकलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन L इजल टू जीरो यानी S सबशेल में है तो उसके पास सिर्फ एक ही जगह है जाने की, राइट। इसका मतलब उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अब एक दूसरी बात करते हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन एल इजल टू वन वाले सबशेल में है, आई रिपीट, यही इलेक्ट्रॉन एल इजल टू वन वाले सबशेल में है, राइट। एल इजल टू वन का मतलब पी सबशेल में है, बट इस बात को अभी से साइड में रखते हैं, ये कौन से सबशेल में है, ठीक है। अगर ये एल इजल टू वन इस सबशेल में है, ओके, और इस इलेक्ट्रॉन के पास मैं मैग्नेटिक फील्ड ले आता हूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल ले आता हूं, तो ये तीन अलग अलग जगह अपनी पोजीशन या अपनी स्पेस में अपनी जगह बना सकता है, राइट। तीन अलग अलग जगह, ओके। तो ये तीन अलग अलग जगह एक्चुअली ऑर्बिटल कहलाती है। मुझे कैसे पता लगा तीन अलग अलग जगह? क्योंकि m की वैल्यू l अगर 1 है तो माइनस 1 0 प्लस 1, इसका मतलब बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये तीन अलग अलग जगह जा सकता है, यानी तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स इसके पास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलो एक बार आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पूरा पढ़ें, इससे पहले दोबारा से देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर हम दूसरा मैग्नेट ले आए, राइट, तो वो अपनी अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग डायरेक्शन डिसाइड करता है, राइट। ये डायरेक्शन अलग अलग कितनी होगी ये डिसाइड करे, ये डिसीजन होगा इस बात पे कि वो किस सबशेल में है,
राइट ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी एल की वैल्यू कितनी है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो उस मैग्नेट की वजह से वो तीन अलग अलग जगह जा सकता है। एल की वैल्यू अगर 2 है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो वो कितनी अलग अलग जगह जा सकता है, -1, 0, +1, +2, यानी 5 अलग अलग जगह वो जा सकता है। इन 5 अलग अलग जगह को हम ऑर्बिटल कह रहे हैं। ओके राइट, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ और नहीं बल्कि ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, और ऑर्बिटल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है ये बताते हैं। राइट, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है। अब एक सवाल जो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जितने भी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उन सब में हमने अलग अलग ऑर्बिटल दिखाए हैं, 1s 2s 2p 2p में तीन ऑर्बिटल, तो इन सारे एटम्स के अंदर या जिनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लेके आए थे? नहीं, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Why? Because अगर हम देखें तो सब में मानो किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है, ये है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो इस इलेक्ट्रॉन जब ये घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। राइट, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाने की जरूरत ही नहीं बनी। राइट, जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को देखकर वो ऑर्बिटल क्रिएट कर लिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यहां से आप एक और बात समझिए कि हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, वहां कोई ऑर्बिटल नहीं होता, कोई ऑर्बिटल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड अगर लाएंगे तो ही ऑर्बिटल क्रिएट होंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। राइट, तो हाइड्रोजन में बोहर हाइड्रोजन पे इसलिए सही काम कर रहा था क्योंकि वहां ऑर्बिटल्स थे ही नहीं, सबशेल थे ही नहीं। ये तो तब क्रिएट होते हैं तब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस हमारे सामने हो, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। राइट, अलग अलग एनर्जी लेवल क्रिएट होते हैं। सबशेल का जन्म ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। हाइड्रोजन में कोई सबशेल नहीं है, एक्चुअली ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, यहां से सीधा दूसरे शेल में, दूसरे से तीसरे में, सिर्फ ये ऐसे जाता है। बट जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जैसे हीलियम, तो वहां एस सबशेल, पी सबशेल, इनका जन्म होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये अलग अलग पोजीशन क्रिएट करते हैं, अलग अलग कंडीशन क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑर्बिटल्स का जन्म होता है। राइट, इसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइंस हैं, जैसे यहां से यहां जाना था तो एक लाइन ऑब्जर्व होनी थी, ऐसे यहां से यहां जाता तो मान लो ये लाइन ऑब्जर्व होनी थी, बट 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां 2s और 2p भी हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से 2s में भी जा सकता था जिसकी एनर्जी कम होती है, और 2p में भी, तो यहां हमें और भी लाइंस दिखेगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि उसके बीच में भी कहीं जा सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो बीच में लाइंस ऑब्जर्व होती है ये मेन लाइंस के अलावा ये ऑर्बिटल्स की वजह से, सबशेल की वजह से होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जब हम लाते हैं तब ये सबशेल ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। राइट, इसे जीमैन इफेक्ट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ये बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जैसे पी एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा, पी वाई वाई में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ने तीन अलग अलग ओरिएंटेशन एक्वायर की या डिसाइड की, हम तीन अलग अलग जगह जाएंगे क्योंकि वो एल इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट था। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे तीन ऑर्बिटल है पी में, राइट, तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। डी में 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम होगी। राइट, ऐसा नहीं है कि यहां इलेक्ट्रॉन चला गया तो कम एनर्जी। हाँ, 3p 3d की अगर मैं बात करूं तो 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। राइट, बट 3d में जो 5 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम होगी। एक और बात, आज से हम सेम एनर्जी को, जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी
तो आप उन्हें ये नहीं कहोगे कि द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, आप एक और वर्ड बोलोगे डीजनरेट, 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 डीजनरेट का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। ओके, सो पी सबशेल हैव थ्री ऑर्बिटल्स एंड दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, डीजनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी। डी सबशेल हैव फाइव ऑर्बिटल्स एंड दीज फाइव ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब सामने वाला यही लगाएगा कि उनकी सेम एनर्जी है। ओके, ये है बच्चों, वैसे क्वांटम में डीजनरेसी का एक डीजनरेसी को एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, खैर छोड़ो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो डीजनरेट का मतलब है हैविंग सेम एनर्जी। आज से जब आपको सेम एनर्जी बोलनी हो ऑर्बिटल की तो आप हमेशा बोलोगे कि ये ऑर्बिटल डीजनरेट है। लास्ट है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, राइट। तो जो रोटेशन है उसको अपनी एक्सिस पे जो वो घूम रहा है इसे हमने स्पिन मोशन नाम दिया है, इसे ऑर्बिटल मोशन, राइट। इसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा और इसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम दैट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अबाउट इट्स एक्सिस। ये एक्सिस है, यहां इसके ये एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, राइट। ऐसे भी घूम रहा है और साथ में ऐसे भी घूम रहा है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है म्यू एस, इसे भी नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट। ओके, या एच बाई टू पाई। एस की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है, बट आपको यहां सिर्फ प्लस हाफ लेनी है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, राइट, तो जो उसका स्पिन है एस की जो वैल्यू है वो हाफ लोगे, वन बाई टू लोगे। ये वन बाई टू आपको हमेशा एंगुलर मोमेंटम निकालते टाइम प्लस हाफ ही लेनी है। ओके, तो ये था आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक और बात देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, कि अगर किसी के कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और जैसे हम बात करते हैं बोरोन की बात कर लेते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, राइट, 2s2, 2p5, ना सॉरी 2p1, 2p1, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। एस में एक ऑर्बिटल होता है, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन। पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे ही मैं एक लिखता हूं नियोन, एटॉमिक नंबर 10, ओके, 1s2, 2s2, 2p6। इसके अगर डब्बो का फोटो बनाऊं, डब्बो का मतलब ऑर्बिटल अगर मैं दिखाऊं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन 2s में दो, 2p में 6, सॉरी एक एक भरते हैं, हंस ने कहा था अब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 6 है तो और भी हमारे पास 4, 5, 6। ओके, तो ये आपके पास है बोरोन का, ये है नियोन का, ये है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो या तो नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है, मैग्नेट, भाई इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, या साउथ पोल, या साउथ पोल। अच्छा, यहां पे एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ कैंसिल हो गए एक दूसरे से, एक दूसरे का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैंसिल कर दिया, एक दूसरे का मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल कर दिया, बट ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो या तो नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा या साउथ पोल। नेट रिजल्टेंट बोरोन में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ना, राइट। अगर मैं नियोन की बात करूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, नेट रिजल्टेंट जीरो, राइट। यहां नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ, तो जिन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा, उसकी नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, राइट। ऐसे सब्सटेंस जब हम बाहर से, मान लो ये बोरोन है, बोरोन है, बाहर से जब मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऐसे सब्सटेंस, राइट। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है,
राइट right? और ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ऐसे याद करो, जो बाहर से आने वाले मैग्नेट से प्यार करे, जो बाहर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। अच्छा, इसके पास आएंगे तो ये रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, रिपेल करेंगे, राइट, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। जो बाहर से आने वाले मैग्नेट से प्यार करे वो पैरामैग्नेटिक, आई एम सॉरी, और जो बाहर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डायन समझकर इनसे दूर भागे, डायन समझकर दूर भागे, वो डायामैग्नेटिक, राइट। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड दोज विच रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए काफी है इतना।